हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी जूनियर वैभव। आज मैं आपसे ह्यूमन रिलेटेड स्लीपिंग फैक्ट साझा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नींद हर किसी को प्यारी होती है, इंसानों को भी, जानवरों को भी। इंसान भी सोते हैं और जानवर भी सोते हैं, लेकिन वे क्यों सोते हैं, इसका उत्तर अभी तक कोई सर्वमान्य नहीं प्राप्त हुआ है। वैसे हमारे जीवन के लिए जितना भोजन, पानी और वायु आवश्यक है, उतनी ही नींद भी। मनुष्य अपने जीवन का 1/3 भाग सोने में बिताता है। हालांकि आयु के आधार पर इसमें भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन औसतन यह लगभग 1/3 होता है, जो सोचा जाए तो काफ़ी अधिक है। बिल्ली अपने जीवन का 2/3 समय सोने में बिताती है। जिराफ को दिन में केवल लगभग 2 घंटे नींद की आवश्यकता होती है। एक भूरे रंग के चमगादड़ को दिन में लगभग 20 घंटे नींद की आवश्यकता होती है। घोंगे लगातार 3 वर्ष तक सो सकते हैं। समुद्री उदबिलाव एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोते हैं, ताकि एक दूसरे से बिछड़ न जाएं। खरगोश अपनी दोनों आंखें खोलकर सो सकते हैं। घोड़े खड़े खड़े सो सकते हैं। डॉल्फिन अपनी एक आंख खोलकर सोती है, जिससे वह नींद में भी सचेत रहती है और शार्क जैसे शिकारी जीवों से अपनी रक्षा कर पाती है। सोते समय डॉल्फिन के दिमाग का आधा हिस्सा सोया हुआ होता है और आधा जागा हुआ। सांस लेने के लिए डॉल्फिन को सचेत रहना पड़ता है, इसलिए वह पूरी तरह से सो नहीं सकती। नींद की कमी भोजन और पानी की कमी की तुलना में अधिक तेजी से मारती है। मनुष्य बिना खाए 2 माह तक, बिना पानी पिए 30 दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना सोए मात्र 11 दिनों तक जीवित रह सकता है। सबसे ज़्यादा लगातार जागने का रिकॉर्ड 11 दिन का है, जो 1964 में रैंडी गार्डनर नाम के कैलिफोर्निया के एक छात्रा द्वारा बनाया गया था। सामान्य तौर पर अधिकांश स्वस्थ वयस्कों को 1 रात में 7 से 9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ लोग 6 घंटे की नींद के बाद भी बिना उनींदापन के कार्य करने में सक्षम होते हैं, जबकि कई लोग जब तक 10 घंटे तक सो नहीं लेते, तब तक बेहतर ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाते। जो लोग हर रात 7 घंटे से कम सोते हैं, उनकी समय से पहले मौत होने की संभावना 12% बढ़ जाती है। जिन वयस्कों को रात में 7 घंटे से कम नींद आती है, उनमें अस्थमा, कैंसर और मधुमेह से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। हर रात 7 घंटे से कम नींद लेना आपको गुस्सा, उदास और तनाव में डाल सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक सोती हैं। नवजात शिशु 24 घंटे में से 14 से 17 घंटे सोने में बिताते हैं। शिशुओं का दिमाग ग्लूकोज पूरी सप्लाई का 50% इस्तेमाल कर लेता है, इसलिए उन्हें अधिक सोने की आवश्यकता पड़ती है। नवजात शिशुओं के माता पिता अपने बच्चे के जीवन के पहले 2 वर्षों में अपनी 6 माह की नींद खो दे देते हैं। नींद में आप छींक या खांस नहीं सकते। यदि आपने किसी को सोती हुई अवस्था में खांसते हुए देखा है, तो इसका अर्थ है कि उनकी खांसी पूरी होने के लिए उनकी नींद टूट चुकी है। मनुष्य में सोते समय सूंघ पाने की क्षमता नहीं होती। यदि सोते समय में घर की रसोई में गैस लीक हो जाए या धुएं की गंध आए, तो पता नहीं चलता। ऊंचाई जितनी अधिक होगी, नींद में गड़बड़ी भी उतनी ही अधिक होगी। आमतौर पर 13,200 फीट या उससे अधिक की ऊंचाई पर नींद में अधिक गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। ऊंचाई में नींद में गड़बड़ी का कारण ऑक्सीजन के स्तर में कमी होना है, जिससे श्वसन प्रभावित होता है। अधिकांश लोगों को नई ऊंचाई में समायोजित होने में 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है। सामान्य तौर पर नियमित रूप से व्यायाम करने से नींद आना आसान हो जाता है। हालांकि बिस्तर पर जाने से ठीक पहले व्यायाम करने से नींद आने में मुश्किल होती है। तलाकशुदा, विधवा और अलग हुए लोग अनिद्रा के अधिक शिकार होते हैं। नींद के लिए कैफीन सबसे लोकप्रिय दवा मानी जाती है। दुनिया भर में लोग कॉफ़ी, चाय, कोको, चॉकलेट को शीतल पेय और कुछ दवाओं में दैनिक आधार पर कैफीन का सेवन करते हैं। हम स्वाभाविक रूप से दिन के 2 अलग-अलग समयों पर सबसे ज़्यादा थकते हैं, सुबह 2 बजे और दोपहर 2 बजे। सुबह 3 से 4 बजे के मध्य इंसान का शरीर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। यही कारण है कि अधिकतर लोगों की मृत्यु नींद में इसी समय होती है। बधिर लोगों के लिए अपनी नींद में सांकेतिक भाषा का उपयोग करना असामान्य नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने बधिर साथी या बच्चों द्वारा नींद में सांकेतिक भाषा का उपयोग करने के बारे में बताया है। जो लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते, उनके भूख विनियमन हार्मोन लेप्टिन का स्तर गिर जाता है।
इस कारण उनमें अधिक भूख लगने की संभावना होती है और उनकी भूख बढ़ जाती है। डायसेनिया वह अवस्था है जिसमें सुबह सुबह बिस्तर से उठना। पैरासोमनिया वह अवस्था है जिसमें लोग नींद में विभिन्न गतिविधियां करते हैं, जैसे नींद में चलना, नींद में ड्राइविंग, और कई बार तो वे पैरासोमनिया की अवस्था में हत्या जैसा अपराध भी कर जाते हैं। पैरासोमनिया से रिलेटेड एक एग्जांपल भी है, आपने इंडेक्स पर तो देखी होगी, उसमें ठीक वाला सीन तो यहाँ भी होगा। बस स्लीप एपनिया नामक रोग से सोते समय सांस रुक जाती है, ऐसे में व्यक्ति की नींद खुल जाती है और वह झटके से उठकर बैठ जाता है। नींद में सांस रुकने की यह समस्या कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हो सकती है। खर्राटे लेने वाले व्यक्ति को जैसे पता नहीं चलता कि वह खर्राटे ले रहा है, वैसे ही स्लीप एपनिया में व्यक्ति को पता नहीं चलता कि उसकी सांस रुक गई है। सोते समय दांत किटकिटाने को ब्रुक्सिज्म कहा जाता है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार दुनिया में लगभग 15% लोग नींद में। हाँ तो बस इतना इस वीडियो में, आगे बचे हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी प्रकार के अमेजिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।